जरीपटका क्षेत्र में घर के सामने में ऑटो खड़ा करने की बात को लेकर हुए विवाद में ऑटो चालक के पेट में चाकू घोंपकर उसे जान से मारने की घटना सामने आई है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गौतम नगर क्रिश्चियन कॉलोनी जरीपटका निवासी अक्षय बैसारे और आरोपी अखिलेश एक ही बस्ती में रहते हैं। 1 मई की शाम करीब 5:30 बजे ऑटो लगाने की बात को लेकर दोनों के बीच कुछ अनबन हो गई। इसी दौरान अखिलेश ने अक्षय के पेट में चाकू से 2 बार वार किए। उसके बाद घायल विनोद बैसारे ने आरोपी अखिलेश उर्फ चारू खुबरागड़े के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। ऐसी जानकारी जरीपटका के पुलिस निरीक्षक ने दी। जरीपटका पुलिस स्टेशन हंती मध्ये दिनांक 1/5/2022 रोजी सायंकाळी 5:30 वाजण्याच्या सुमारास गौतम नगर किचन कॉलनी मिकोसभा या ठिकाणी राहणारे अक्षय विनोद बैसारे व अखिलेश उर्फ चारू बिबीसार खोब्रागडे यांच्यामध्ये ऑटो लावण्याच्या वाढण्यावरून वाद झाला। त्यामध्ये तक्रारदार अक्षय विनोद बैसारे यास अखिलेश खोब्रागडे याने चाकूने खून करण्याचा त्याचा प्रयत्न केला। त्याला 2 जखम झाले आहेत पोटाजवळ, पोटावर 2 जखम झालेले आहेत। त्यावरून जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे अखिलेश उर्फ चारू खोब्रागडे याच्या विरुद्ध भादवी कलम 307 प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। यातील आरोपीस अटक करण्यात आली असून त्याचा सध्या तो पोलीस कस्टडी रिमांडमध्ये आहे। दिनांक 6/5/2022 पर्यंत त्याची पोलीस कस्टडी मंजूर आहे। गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे। यातील फिर्यादी अक्षय विनोद बैसारे हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार आहे। याच्या विरुद्ध 4 वेगवेगळ्या प्रकारचे गुन्हे दाखल आहेत, चोरीचे आणि शरीराविरुद्धचे, आणि खोब्रागडे यातील आरोपी याच्या विरुद्ध कोणताही गुन्हा दाखल नाही। एनबीसी न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज की रिपोर्ट।